ICSE क्लास 9th कंप्यूटर एप्लीकेशंस चैप्टर 8 जावा के इटरेटिव कंस्ट्रक्ट्स। पिछले वीडियो में हमने बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल देखा। इसमें प्रोग्राम के किन्हीं ब्लॉक्स को इग्नोर करके कोई खास ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अब हम एक और प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट देखेंगे जिसमें किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ब्लॉक को तब तक बार बार एग्जीक्यूट किया जा सकता है जब तक कोई कंडीशन पूरी ना हो जाए। इसको लूप भी कहा जाता है। लूप के 3 प्रकार हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। फॉर लूप को और व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहा जाता है और डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कहा जाता है। एंट्री कंट्रोल्ड लूप में कंडीशन को शुरू में ही चेक किया जाता है। अगर कंडीशन सही है, ट्रू है, तो प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ता है। यह प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कंडीशन ट्रू है। कंडीशन के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूशन रुक जाता है। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप के अंत में कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल को अगले इटरेशन के लिए वापस भेजा जाता है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है वैसे ही कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। चूंकि कंडीशन को लूप के एग्जिट पॉइंट में चेक किया जाता है इसलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कह सकते हैं। इस तरह के लूप में कंडीशन के फॉल्स होने पर भी कम से कम एक बार तो कंट्रोल लूप में एंटर करता है और सभी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। अब हम यहाँ पर फॉर लूप का सिंटैक्स देखेंगे। ये इस तरह से होता है, फॉर इन ब्रैकेट इनिशियल वैल्यू सेमीकोलन टेस्ट कंडीशन सेमीकोलन और अपडेट, और उसके बाद जो भी हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखेंगे वो लिख सकते हैं। अगर एकाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और अगर बहुत से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हो तो हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं कि वो कोड ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए। तो इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे फॉर लूप के इस्तेमाल से, और फिर उसके बाद में हम उसमें ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है देखेंगे। तो इसके लिए पहले आपको ब्लूजे का जो आपका कंपाइलर है ओपन करना पड़ेगा, और उसके अंदर एक न्यू क्लास बनाइए। यहाँ पर मैंने नेचुरल अंडरस्कोर नंबर्स नाम से क्लास बनाया है, तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है, आप चाहो तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो यहाँ पर जो है पब्लिक क्लास नेचुरल नंबर्स, यानी हमने जो इसको नाम दिया है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसके बाद में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, हमने पहले एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इंटीजर वेरिएबल इंटीजर एक्स सेमीकोलन, और फिर सिस्टम आउट प्रिंट प्रिंट एलन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये सिर्फ हम एक फॉर लूप का जो एग्ज़ाम्पल है इसको दिखाने के लिए बना रहे हैं। तो फॉर लूप इस तरह से लिखा जाएगा, फॉर इन ब्रैकेट एक्स इज इक्वल टू 1 जो है इनिशियल वैल्यू है, एक्स हमने इंटीजर यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो हम इसको पहली जो वैल्यू है इनिशियलाइज करते हैं 1 से, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद भी ये होगा टेस्ट कंडीशन इसका। तो ये है एक्स लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि एक्स की वैल्यू या तो 10 से कम हो या फिर 10 हो तब तक ये लूप चलता रहेगा। और एक्स डबल प्लस जो है ये है इसका अपडेट है। तो इंक्रीमेंट जो है दो तरह से किया जाता है, हम इसको डबल प्लस एक्स कर सकते हैं या एक्स डबल प्लस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक्स डबल प्लस किया, इसका मतलब ये है कि जैसे शुरू में हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो सिस्टम आउट प्रिंट एलएन में जो एक्स जाएगा फॉर लूप से, जो एक्स की वैल्यू बाहर जाएगी वो यहाँ पे 1 ही होगी। तो ये एक्स डबल प्लस जो है वो पहले एक्स की वैल्यू बाहर भेजेगा, उसके बाद में इसको इंक्रीमेंट करेगा तो एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद में नेक्स्ट लूप में जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे आएगी 2। तो इसलिए इस तरह से 1 2 से लेके 1 2
10 तक हमको इसका आउटपुट मिलेगा। तो यह है सिंपल फॉर लूप। अब यहाँ देखें, फॉर के बाद में हमने सिर्फ एक एग्जीक्यूटेबल सेंटेंस दिया है। इसके लिए हमको यहाँ पे ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो ब्रेसेस यहाँ पे लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं तो इसको आप एक ब्लॉक की तरह भी फॉर्मेट कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें। हम इसे पहले कंपाइल करेंगे और नीचे हमको क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स इस तरह से कोई मैसेज दिखेगा। और फिर उसके बाद में हम इसको मिनिमाइज़ करें या क्लोज़ करें और फिर ब्लू जे के कंपाइलर में यहाँ पर जो इसका आइकॉन दिखता है नेचुरल नंबर्स के नाम से, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और फिर वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा उसके अंदर सिर्फ हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा टर्मिनल विंडो। शुरू में ये मिनिमाइज होगा तो आपको इसको स्ट्रेच करके ओपन करना है, इसको स्ट्रेच करना है, बड़ा कर लेना है। तो ये हमारा आउटपुट है इस प्रोग्राम का, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। क्योंकि हमने प्रिंट एलेन किया है तो हर एक आउटपुट जो है एक नई लाइन में हमको दिखाई देती है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ गए। तो ये हुआ फॉर लूप का जो सिंटैक्स है इसका प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल। अब हम इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ एक चीज़ ऐड की है, यहाँ देखें आप, ये हमारा फॉर लूप है। और फॉर लूप के नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे हमने दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऐड किए हैं। इसके लिए हमने कर्ली ब्रैकेट्स का भी इस्तेमाल किया है। इफ़ एक्स इक्वल्स 5, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। हम यहाँ कह रहे हैं कि जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी तब इसको ब्रेक कर दें। तो ब्रेक का मतलब क्या है, ब्रेक और कंटिन्यू दो अलग अलग हम यहाँ पे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल किस तरह से होता है हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो पिछले प्रोग्राम में हमने जो फॉर लूप का रन किया था, फॉर लूप जब हमने यहाँ पे रन किया तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर हमको आउटपुट में मिले थे। अब इस बार इसको भी हम कंपाइल करेंगे और फिर ये अब ब्लूजे का जो टर्मिनल विंडो है इसको प्रोग्राम रन होने के बाद में आप इसको क्लियर कर लें, वरना जो पिछले प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो भी हमको साथ साथ दिखाई देगा, तो ज़रा उससे कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। राइट क्लिक करें और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स को सेलेक्ट करें, फिर ओके पर क्लिक करें। तो अब यहाँ देखें क्या होता है। तो जैसे पिछली बार हमको 1 से लेकर 10 तक के नंबर मिले थे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 के बाद में प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया ये देखें। यहाँ पर हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है फॉर लूप के अंदर, इफ़ एक्स इक्वल्स 5 ब्रेक। तो जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ब्रेक कर दो। ब्रेक का मतलब क्या है कि ये प्रिंट एलेन का जो स्टेटमेंट है ये भी प्रिंट नहीं होगा और लूप के जो आगे के इटरेशंस हैं 5 से लेकर 10 तक के जो इटरेशंस हैं वो भी इसके अंदर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो ये पूरा का पूरा फॉर लूप जो है इससे ब्रेक हो जाता है। तो ये हुआ ब्रेक का इस्तेमाल। तो हम टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन से किसी भी समय हम बाहर जा सकते हैं यहाँ पे ब्रेक का इस्तेमाल करके। अब यहाँ से इसको क्लियर कर दें हम इसका आउटपुट और फिर प्रोग्राम के अंदर कुछ एक और चेंज करेंगे। सेम प्रोग्राम है पिछली बार की तरह, सिर्फ इसमें ब्रेक की तरह जगह हमने कंटिन्यू लिखा है। अब कंटिन्यू होने से क्या होता है देखें, सेम प्रोग्राम है, जब हमने ब्रेक किया तो 1 से लेकर 4 तक के नंबर हमको मिले। अब देखें क्या होता है, इसको हम कंपाइल करें और फिर इसको रन करके देखेंगे। राइट क्लिक, वाइड मीन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ओके। यहाँ देखें 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 गायब है। देखिए 4 के बाद सीधे 6 आ गया, यानी कि यहाँ से 5 गायब हो गया। अब हम दोबारा प्रोग्राम के अंदर जाएं, देखें यहाँ क्या हुआ है, इफ़ एक्स इक्वल्स 5 कंटिन्यू। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू के बाद जो भी एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट है ये इसको स्किप कर देता है और ये लूप के अंदर नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है। तो यह है फ़र्क ब्रेक और कंटिन्यू में। ब्रेक टोटली फॉर लूप के बाहर चला जाता है और कंटिन्यू जो यहाँ पे हमने जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के वक्त जो कंटिन्यू के बाद जो एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट है उसको स्किप करता है। तो इस तरह से हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं।